खाना उना ले लिया हम लोगों ने, अभी जाएंगे तरफ। वो है हम लोगों का अपनी बॉस। फ्रेंड्स हम लोग करीब आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, रास्ते में ये काम चल रहा है वाटर रिजर्वर। हम लोग छोरा के नीचे जाएंगे। ये जो छोरा है इसका नीचे से होके हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ। हम लोगों को जाते जाते ये क्या मिला देखिए, ये रहा जूम। जूम जो करते हैं जूम में ये ब्रिंजल उगता है। हाँ ये सब्जी जूम में उगता है, सिर्फ जूम में ही मिलता है। ये देखिए ये और भी अंदर में बहुत सारा है, हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं लिए, हम लोग ये सब लिए हैं, अभी जाएंगे हम लोग। और ये भी देखिए ये भी मिलता है। हाँ जंगल में जाते जाते ये सब सब्जियाँ मिल गई हम लोगों को, अच्छा ही हुआ। कुछ घर के लिए ले लिए हम लोगों ने और कुछ वहाँ पे जाके खाएंगे। ये देखिए ये पत्ता भी है, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, इसको अगर किसी मीट के साथ पकाया जाए ना तो बहुत बढ़िया खुशबू देता है, बहुत ही एरोमेटिक हो जाता है वो खाना। तो हम लोग चलते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो देर हो जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, रास्ते से 100 मीटर होगा, 100 मीटर तक आए हैं हम लोग अभी, और करीब 1 किलोमीटर के अंदर ही होगा, 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा डेस्टिनेशन जो है। तो मेरा भाई लोग मेरे साथ आए हैं आज। बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से होते हुए गुजर रहे हैं हम लोग, शायद डेस्टिनेशन में आके पहुँचे हैं। योर नहीं योर ओके, हाँ यही है हम लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन, बड़े बड़े पत्थरों के बीच, एकदम साफ साफ पानी के बीच। आज यहाँ पे बहुत अच्छी तरह हम लोग एंजॉय करेंगे। यार मैं गिर गया यार, देखिए चलने में भी मुश्किल हो रहा है मुझे। आज जमेगा यहाँ पे पार्टी, ठीक है। कमॉन कमॉन, बहुत ही बढ़िया जगह में आ गए हम लोग। ऊपर में देखिए ये वाओ, बहुत बढ़िया। अभी भैया लोग आएंगे, अभी मज़ा होगा, भैया लोग का इंतज़ार करते हैं और इस बीच बाकी काम निपटा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बैम्बू है देखा ना, हाँ बैम्बू है आसपास, बैम्बू लेने के लिए जा रहा है क्योंकि मीट जो है ना हम लोग बैम्बू में पकाएंगे। और क्या है ये बैम्बू सूट, इसका गुदक बनाएंगे हम लोग। इसका गुदक, गुदक मतलब एक प्रकार का व्यंजन है जो बैम्बू के अंदर डाल के पकाया जाता है। वो और दो मिला उसको, ये थोड़ा छोटा है, अभी सीजन नहीं है इसलिए छोटे छोटे हो रहे हैं, बाकी सब ठीक है। ये देखिए हम लोग चिकन सफ करने का काम शुरू कर दिए हैं, बहुत जल्द ये बैम्बू के अंदर जाने वाला है, बैम्बू में डाल के उसको हम लोग पकाएंगे। ये बहुत बढ़िया करके एक एक पीस को अच्छी तरह साफ कर रहे हैं हम लोग, फिर इसके बाद होगा असली मज़ा की पार्टी, ठीक है।
केकड़ा ढूंढने का काम शुरू कर दिया है। देख रहे हैं मिलता है कि नहीं केकड़ा। बैम्बू शूट के साथ केकड़ा अगर दिया जाए तो बहुत बढ़िया टेस्ट निकल आता है, इसलिए हम लोग केकड़ा ढूंढ रहे हैं अभी। गोदान शुरू से खाना बनाने का काम हम लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट कर चुके हैं। इस बीच भैया लोग आ रहे होंगे मुझे लगता है, तो वो लोग आते आते हम लोग जितना हो सके उतना काम कर लेते हैं। ये देखिए राइस हम लोगों ने ऑलरेडी रेडीमेड ला चुके हैं, और यह आते वक्त जो सब्जियां मिले थे हम लोगों को, अभी इसमें मसाला को कूटने के बाद निकाला जा रहा है। यह है गार्लिक पेस्ट हम लोगों ने बनाया है। आज बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। आग जलाने का काम शुरू हो गया है, धीरे धीरे हम लोग आग जला रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आग पूरी तरह जल चुका है। अभी चिकन भी पक रहा है बैम्बू के अंदर। आप लोगों में से अगर किसी ने अभी बैम्बू चिकन टेस्ट नहीं किया हो तो ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, ये बहुत बढ़िया होता है, इसका एरोमा बहुत ही बढ़िया होता है। एक बार खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। वीडियो में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। Thank you.
सभी ने ऑलमोस्ट पैकिंग का काम खत्म हो गया है। ठीक है दोस्तों, अंधेरा भी हो रहा है और बारिश भी आ रहा है, हम लोग निकल पड़ेंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा और इन वीडियो में आप लोगों के सामने मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।